देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों के बाद अब उत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से हल्की और मध्यम बारिश हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के भी कई जिले बारिश से बेहाल हैं। उत्तर भारत में मानसून की बारिश में देरी की वजह से खरीफ फसलों की बुआई लेट हुई, लेकिन मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अब अगले 4-5 दिनों तक देश के मैदानी कृषि बेल्ट में झमाझम बारिश हो सकती है। दिल्ली में इन दिनों बारिश की गतिविधियों से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 2 अगस्त तक तेज गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में 1 अगस्त और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 2 अगस्त तक बारिश के आसार हैं। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 4 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिण में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, लद्दाख और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है।